पिया जी, ओ पिया जी। हाँ कहिए भगवान। सुबह के 4-5 बजे हैं और आपने अपनी ड्रेस पहन रखी है और सारा सामान अपने पीठ पर लाद रखा है, कहाँ जाने की तैयारी है भगवान जी? सीमा पर जंग छिड़ चुकी है। जंग छिड़ गई, दुश्मन ने हमें ललकारने का काम किया है। अच्छा, मुझको वापसी बुलाया गया है। लेकिन अभी आप 4-5 रोज से आए हो और आपने कहा था कि पूरी 1 महीने की छुट्टी लेकर के आया हूँ, इतनी जल्दी जाने का कौन सा मतलब बने? मेरी बात सुन ले जी, छुट्टी लेकर के 1 महीने की आया था, वो बात तो आपकी सही है, फिर लेकिन इस मातृभूमि की रक्षा भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितना गृहस्थ है, गृहस्थ से भी कई गुना जरूरी है। अगर जाना ही है तो ऐसे चोरों की तरह चुप 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 क्यों जा रहे हो? इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए कि आपको परेशानी ना हो और मेरे माता पिता और भाई बहन को परेशानी ना हो। ओहो, परेशानी तो तुम्हारे जाने के बाद भी होगी, लेकिन बता के जाओगे तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अपने प्राणपति का आरती करूंगी और उनको विदा करूंगी। अच्छा, आरती से विदा करना चाह रही हो? करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं और आप रोना शुरू कर दें। वो तो बात की बात है, लेकिन आप अपने दिल को मजबूत रखिएगा। मैं अपने दिल को, अपने जज्बातों को बिल्कुल मजबूत करके जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ कहिए। यहाँ पर कोई फौजी भाई भी बैठे हैं? फौजी भाई भी बैठे हैं इधर? फौजी है कोई? कोई परिवार में होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब जाते हैं तो सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि अगर कैसा ही भी जंग क्यों ना हो, अपना सीना तान करके खड़े रहना, कभी पीछे मत हटना। इसलिए बहुत सारे फौजी हैं। बिल्कुल जी, बहुत बैठे होंगे मेरे भाई। मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ, क्या क्या? अरे भारत माँ की लाज राखिए मेरे मन भजारी रो, भारत माँ की लाज राखिए मेरे मन भजारी। सीमा ऊपर जंग छिड़ा, सीमा ऊपर जंग छिड़ा, हुक्म मिला सरकारी, पाकिस्तान की सीमा पे हमें, ए पाकिस्तान की सीमा पे हम, पाकिस्तान की सीमा पे हमें करने से बमबारी, भारत मां की लाज
सब कहे पर लाल तो थे वो लाल, जो लाल लहू से कर गए दुश्मन का सर लाल। साथियों दुश्मन का सर लाल, हमारे भारत का जवान 24 घंटे तक भूखा और प्यासा लड़ सकता है। आज यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, यूक्रेन के लोग कुछ तो ऐसे हैं कि जो डट करके सामना कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने वतन को छोड़ दिया है। रे लोगों, भारत का एक एक सच्चा नागरिक, एक एक सच्चा इंसान मर सकता है, लेकिन अपनी मातृभूमि की रक्षा में पीछे नहीं हट सकता। साथियों मैं ऐसे भारतवर्ष को सलाम करता हूं, एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए। समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जाने का मन तुम्हारा ही नहीं कर रहा है। जाने का मन तो मेरा कर रहा है। अच्छा, और मैंने आपसे कह भी दिया है कि जिंदे रहे तो फिर मिलेंगे। जिंदे तो जरूर रहोगे, अगर जो आपका आशीर्वाद आपका प्यार मेरे साथ में ऐसा ही रहा तो फिर तो मुझे आज आने वाली नहीं है। आना तो आपको वापस मेरे पास ही है, लेकिन फिर भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ऐसा ना हो कि अभी अभी तो आप में जोश है इसलिए आप बार बार के जा रहा हूँ बॉर्डर पे, जा रहा हूँ बॉर्डर पे इसलिए कह रहे हो, कदे पता चले कि गांव के बाहर निकलो के मैं तो मूड बदल गया और वापस घर आ लिए। भाई लोगों एक बात मुझे बताओ, क्या हमारे बुजुर्गों का खून इतना कमजोर है कि जो रास्ते में से वापस आ सकता है? नहीं है ना, तो एक बार जोरदार ताली बजा के बता दो। तो फिर वहां डटना और डट करके सामना करूंगा, और ऐसा ही प्यार बनाए रखेगी तो समझ ले कि कम से कम 100-150 को तो ज्यादा ही एकदम धराशाई कर दूंगा। मार दिए और कह दे जहां जहां धक्के खाने हो, जब मानूंगी मरद पिया तुस मन के टैंक उड़ाने हो, जब मानूंगी मरद पिया तुस मन के टैंक उड़ाने हो। एक कसम तिरंगे की हमने, एक कसम तिरंगे झंडे की हमें सीमा पे फहराने हो। दुश्मन के नापाक इरादे मिट्टी बीच मिलाने, दुश्मन के नापाक इरादे
जब हम तिरंगे झंडे को फहरा के आएंगे विजय प्राप्त करके, तो तेरे भी जो मन की इच्छा है उसको पूरी कर दूंगा मैं। अच्छा जी, और ऐसी बात। अच्छा, खुश है आज वैसे ही? हाँ, आज तो ये फूला नहीं समा रहा वैसे। आप भी? मैं तो खैर इसके साथ हमेशा ही खुश रहती हूँ। हाँ, पहले से खुश रहे पिया जी, खुश तो मैं हूँ। अच्छा, लेकिन जब आप जीत करके वापस आएंगे और जब आप मेरे मन की इच्छा पूरी करेंगे तो नरेश के लिए एक फौजी कैप भी लेकर आएंगे। इसके लिए भी ये इतने तो बाल बड़े हो जाएंगे इसके, तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई नरेश नागर भी। तो फिर पिया जी, अगर आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे तो कुछ ना कुछ बदले में मैं भी जरूर कर दूंगी। अभी एक घंटे पहले उसने थोड़ा सा ट्रेलर दिखा दिया, डेढ़ घंटे के सफर में एक बार भी सांस नहीं ली अभी। कोई बात नहीं, मैंने तो मोटरसाइकिल पकड़ ली थी, लेकिन नरेश नागर ने जो बीच में बाइबिल दबा के तुरंत यहाँ रुके हो। जब सेज सजा देगी इतने प्रेम से, हाँ, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। फर्ज सुना दो अपने मन की प्रेम कहानी, अपने मन की प्रेम निशानी, अब कहीं दे जाऊं मैं। और फिर मैं क्या करूंगी, निशानी लेगी। इतना खुश तो नाम सही हो रहा है, और इतनी खुशी तो बस नाम सही होगी। अब पता तो जब चलेगा जब तू वापस आवे। एक बार और सुना। वापस आते ही तो सारी कसर मेट दूंगा मैं तेरी। अच्छा, और बता। अपने मन की प्रेम निशानी, अपने मन की प्रेम निशानी, अब कहीं दे जाऊं मैं। कुणवारा जी तेरा, कुणवारा जी हो जाएगा जब गोदी लाल खिलाओगे। कुणवारा जी हो पाल परचारी।